हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक जॉटर्स पे। मेरा नाम है यूडी और आज हम बात कर रहे हैं टॉप 5 टेक न्यूज के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है पबजी मोबाइल गेमर्स के लिए। पबजी मोबाइल में न्यू मैप लिविक को इंट्रोड्यूस किया जाने वाला है। इस न्यू मैप में प्लेयर को 15 मिनट का छोटा मैप खेलने को मिलेगा जिसमें 40 प्लेयर लैंड करेंगे। मैप को एडवेंचरस और एक्साइटिंग बनाने के लिए मैप में न्यू वेपन्स भी डाले गए हैं। गेम्स के मौजूदा वेपन्स में P90 SMG और MK12 बर्ड स्नाइपर राइफल शामिल होगी। फिलहाल लिविक मैप पबजी बीटा के फाइनल रिलीज स्टेज पे है, बट रिलीज डेट पबजी डेवलपर्स ने रिवील नहीं की है। डेव टॉक पर पबजी डेवलपर्स से इस मैप के बारे में पूछे जाने पर डेवलपर्स ने इसे कन्फर्म कर दिया है कि मैप क्विक गेमर्स के लिए छोटा और एडवेंचरस होने वाला है। गेम डेवलपर्स ने इरेंगल 2.0 के बारे में भी इन्फॉर्मेशन शेयर की थी। डेव टॉक में ये भी बताया गया था कि इरेंगल 2.0 मैप फाइनल टेस्ट स्टेज पे है और इसकी परफॉर्मेंस और विजुअल्स को ट्विक किया जा रहा है ताकि गेमर्स इसे अपना सके और ये मैप मोस्ट पॉपुलर इरेंगल मैप को रिप्लेस कर सके। सेकंड न्यूज है COVID-19 को लेकर। COVID-19 के पूरी दुनिया में फैलने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में न्यू टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, जैसे एप्पल गूगल की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप या फिर इंडिया में यूज होने वाली आरोग्य सेतु ऐप को। उससे पहले हार्डवेयर को लेकर स्मार्ट वॉच और बैंड ही यूज किया जाता था। अब पैंडेमिक के बाद न्यू टेक्नोलॉजी भी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई है लोगों को लेकर। इसका फायदा उठाया है एक जापानी स्टार्टअप कंपनी डोनट रोबोटिक्स ने, जो लेकर आया है एक कनेक्टेड स्मार्ट मास्क। ये मास्क वॉइस कमांड्स पर मोबाइल कॉल कर सकता है और मोबाइल पर आए मैसेजेस को रीड करके आपको सुना भी सकता है। स्मार्ट मास्क आपके मोबाइल से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट हो जाता है और ये मास्क रियल टाइम में आपकी वॉइस को 8 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट भी कर सकता है। मास्क का नाम कंपनी ने सी मास्क रखा है। कंपनी के CEO टाइसुक ओनो ने बताया है कि इस टेक्नोलॉजी को तैयार करने में उन्हें कई साल लग गए हैं और अब पेंडेमिक से लड़ने के लिए इस टेक्नोलॉजी को मास्क में यूज किया गया है। ये मास्क इंडियन मार्केट में सितंबर मंथ में आ जाएगा और इस मास्क की कीमत 3000 रुपए हो सकती है। तीसरी न्यूज है टिकटॉक को लेकर। टिकटॉक काफी टाइम से आपके डेटा को कैप्चर कर रहा है, क्या आप जानते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये डिस्कवर हुआ है एप्पल आईफोन के न्यू iOS 14 बीटा में, जिसमें एप्पल ने न्यू प्रिवेसी फीचर डाला है। इस प्रिवेसी फीचर को यूज करते हुए इंटरनेट पे एक यूजर ने इसे प्रूव कर दिया है कि टिकटॉक आपके क्लिपबोर्ड को एक्सेस करके टेक्स्ट को अपने सर्वर पर पेस्ट कर रहा है। जिन्हें नहीं पता क्लिपबोर्ड क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि क्लिपबोर्ड आपके मोबाइल का एक फीचर है जिसमें एक या एक से ज्यादा कॉपी किया हुआ टेक्स्ट स्टोर होता है। आपके मोबाइल के क्लिपबोर्ड में काफी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, जैसे आपके बैंकिंग का आईडी या पासवर्ड या फिर आपका आधार कार्ड नंबर। इसके अलावा टिकटॉक आपके मोबाइल के हार्डवेयर, जैसे मोबाइल में लगा हुआ प्रोसेसर, फोन की मेमोरी और स्पेस, आपने मोबाइल में कौन कौन सी ऐप इंस्टॉल कर रखी है और आपके मोबाइल नेटवर्क की सारी डिटेल चाइना भेज रहा है। इसलिए मेरी राय में आप टिकटॉक को अभी के अभी अनइंस्टॉल कर दीजिए। आज की फोर्थ न्यूज यूट्यूब के नए फीचर के बारे में है। यूट्यूब पर एक नए फीचर के आने की खबर है जिसके थ्रू आप शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, जैसे कि आप टिकटॉक पे बनाते हैं। इस फीचर को यूट्यूब ऐप में ही इंटीग्रेट किया जाएगा। अभी इस पे काम चल रहा है और रिपोर्ट की माने तो ये फीचर सितंबर तक लॉन्च हो जाएगा। कहा यह भी जा रहा है कि ये फीचर मोनेटाइज किया जाएगा। गूगल के पास ऑलरेडी लाइसेंस म्यूजिक की एक लंबी लिस्ट है जिसका ये फीचर फायदा उठा सकती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि YouTube ने किसी और ऐप से इंस्पिरेशन लेकर उस फीचर को अपनी YouTube में इंटीग्रेट किया है। YouTube पे Instagram जैसे स्टोरीज फीड इसका एग्जांपल है और अब देखना ही है कि YouTube किस तरह शॉर्ट्स को अपने ऐप का हिस्सा बनाता है। नेक्स्ट न्यूज है एप्पल के बारे में। एप्पल अपने आने वाले सभी मैकबुक्स और iMac में अब इंटेल प्रोसेसर की जगह अपना खुद का बना हुआ ARM प्रोसेसर का यूज करेगा। जी हाँ दोस्तों, एप्पल ने WWDC इवेंट में अपना कस्टम डिजाइंड ARM प्रोसेसर अनवील कर दिया है। एप्पल ने कहा है कि वो अपने बनाए हुए प्रोसेसर को इसलिए यूज करना चाहती है ताकि उनके मैकबुक्स और iMacs की परफॉर्मेंस और भी ज्यादा बेहतर हो जाए। इससे पहले एप्पल ने अपने सभी प्रोडक्ट्स जैसे आईफोन, आईपैड्स और एप्पल वॉच में एप्पल इंजीनियर के डिजाइन किए प्रोसेसर को यूज किया है और एप्पल ने अपने इस प्रोसेसर की परफॉर्मेंस में काफी एडवांसमेंट कर ली है। अब ये प्रोसेसर रेडी हो चुका है एप्पल के iMacs और मैकबुक्स के लिए भी। पिछले कई सालों से एप्पल अपने iMac और मैकबुक्स में इंटेल प्रोसेसर का यूज करता आया है और अब ARM प्रोसेसर का यूज करने से ऐसा हो सकता है कि आप अपने iMac या मैकबुक में विंडोज इंस्टॉल ना कर पाए। ये नए मैकबुक्स और iMac जिनमें एप्पल का प्रोसेसर लगा होगा जल्दी ही लॉन्च होने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।